फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड आई एम योर फ्रेंड रीमा जैन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ दो ड्रिंक की रेसिपी, जो कि नवरात्रि के फास्ट के दौरान आप बना के पी सकते हो बहुत ही इजीली। फ्रेंड्स, फास्ट के दौरान हमें ये चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर में खाना नहीं जाए चलता है, लेकिन लिक्विड जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट लाइक जूस हो या फिर कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो, वो हमारे बॉडी के अंदर में जाना ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो बना हुआ रहता है एंड हमें थकान महसूस नहीं होता, चक्कर आना नहीं होता, जैसे कि बीपी लो होना या फिर कुछ ऐसी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती हमको एंड हमारा जो फास्ट है बहुत ही इजिली हम कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी नींबू पानी का रेसिपी एंड मौसमी के जूस की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, मौसमी का जूस बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है फास्ट के दौरान। मैंने भी काफी टाइम नवरात्रि का फास्ट किया हुआ है 9 डेज तक एंड मौसमी का जूस बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, बहुत ही ऑसम होता है मौसमी का जूस पीना हमारे हेल्थ के लिए। एंड मैं फिर सेकेंड रेसिपी जो मैं शेयर करूंगी वो है नींबू पानी की रेसिपी। वैसे तो नींबू पानी हम सभी जानते हैं कि नींबू पानी पीना चाहिए, बट फास्ट के दौरान हम लोग ये ध्यान नहीं देते कि हम पीते नहीं है इतना ज्यादा एंड लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर में जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं नींबू पानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जैसे सिकंजी या फिर नींबू शरबत, नींबू पानी, इस तरीके से नाम से हम जानते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो तो प्लीज 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, मौसमी का जूस बनाने के लिए मैं यहाँ में ले रही हूँ दो बड़े मौसमी एंड यहाँ पे मैंने ली है पिसी हुई चीनी। सो फ्रेंड्स, आप जो है चीनी को साबुत भी यूज कर सकती है, बट मैंने पीस ली है ताकि जो जूस में अच्छी तरह से ये अब्जॉर्ब हो जाए एंड जल्दी अब्जॉर्ब हो जाए। एंड यहाँ पे मैंने ली है काली मिर्च कुटी हुई एंड यहाँ पे मैंने लिया है सिंधा नमक। सिंधा नमक हम स्वाद अनुसार इसके अंदर में ऐड करेंगे एंड यहाँ पे हमको चाहिए 1/2 गिलास ऑफ वाटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना हमारा मौसमी का जूस। सो फ्रेंड्स, मौसमी का जूस बनाने के लिए सबसे पहले मैं मौसमी को कट करूंगी। फ्रेंड्स, मैं इसको इस तरीके से चक्कू से पूरे मौसमी में फांक कर दूंगी, लाइन बना दूंगी, जिससे कि जब हमारा मौसमी का जो छिलका है वो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है एंड इससे आपका जो मौसमी का छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, एंड इस तरीके से आपके जो छिलके हैं वो बहुत ही इजीली निकल जाएंगे। एंड उसके बाद में इस सारे छिलकों को निकाल के जो ऊपर से ऊपर में जो व्हाइट कलर की परत है उसको भी मैं नाइफ से हटा दूंगी एंड इससे हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होगा। एंड अब मैं इस तरीके से सारे जो ऊपर के व्हाइट वाले जो एरिया होते हैं, व्हाइट पार्ट होता है, उसको मैं अच्छी तरह से निकाल दूंगी। एंड ये बहुत ही इजीली हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं जाता हमारा इसमें। सो अब ये हमारा मौसम भी तैयार हो गया है। अब मैं इसको बीच से कट कर लूंगी एंड इसकी एक एक फाड़ी निकल जाएगी कैंडी के तरह। एंड अब मैं इसको जिसमें हमें ग्राइंड करना है उस जार में निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये निकल गया है एंड जो भी बीज मुझे दिखेंगे वो बीज सारे भी मैं निकाल दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मौसमी का जूस में हमें कभी भी बीज को ग्राइंड नहीं करना होता है। एंड आप ध्यान रखिए कि आप इसको मीडियम पे ही ग्राइंड करें, ज़्यादा स्पीड में ग्राइंड ना करें, वरना अगर बीज पिस गए तो फ्रेंड्स हमारा जो जूस है वो खारा हो जाएगा। एंड इसके अंदर मैंने 1/2 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया है, 1 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड करी है एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ संधा नमक स्वाद अनुसार एंड देन मैं इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर। फ्रेंड्स, इसको ग्राइंड आपको मीडियम पे करना है, एकदम से ग्राइंड नहीं करना है। एंड ये देखिए हमारा जो जूस है वो तैयार है एंड मैं इसको अच्छी तरह से छान लूंगी। ये देखिए, मैंने बीज को ग्राइंड नहीं किया है। एंड ये जो हमारा सारा जूस है ये निकल जाएगा इस तरीके से एंड देन ऊपर से मैं थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारा जो जूस है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट में अच्छा हो जाएगा। एंड मैं जूस को निकाल रही हूँ ग्लास में।
एंड फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो मौसमी का जूस है ये रेडी है पीने के लिए। आप इसके अंदर में चाहे तो आइस क्यूब ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको नॉर्मल भी पी सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको कैसे पीना है। तो फ्रेंड्स हमारे सेकंड रिफ्रेशिंग फास्ट के लिए ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए जो चीज़ें वो है एक गिलास पानी, पिसी हुई चीनी, आप चाहो तो साबुत चीनी भी ले सकते हो, लाइम जूस यानी कि नींबू का जूस, यहाँ में मैंने लिया है संधा नमक एंड ये एक डेकोरेशन के लिए राउंड लेमन मैंने कट करके रखा है। तो अब मैं बनाऊंगी नींबू पानी, जिसको हम नींबू पानी, लेमन वाटर, शिकंजी कई नामों से जानते हैं। फ्रेंड्स ये वाले जो लेमन वाटर होती है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है फास्ट के दौरान, हमारे बॉडी के अंदर में एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सो फ्रेंड्स एक गिलास पानी के अंदर में मैं हाफ टी स्पून ऑफ शुगर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हो। एंड देन मैं यहाँ में यूज़ करूँगी संधा नमक, क्योंकि व्रत में हमें ओनली संधा नमक ही अलाउड होता है। एंड यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ लाइम जूस, आप चाहे तो दो चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ में एक चम्मच ऐड कर रही हूँ। एंड देन हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हमारी चीनी हम ऐड करते हैं पानी में तो वो जल्दी घुल जाती है एंड हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता चीनी को मिक्स करने में। तो हमारा जो ये लेमन वाटर है यानी कि नींबू पानी वो तैयार है। देन एक नींबू को मैं ग्लास के साइड में लगा के इसे डेकोरेट कर दूंगी थोड़ा सा। तो ये हमारा लेमन वाटर तैयार है। सो फ्रेंड्स ये हमारा नींबू पानी यानी कि लेमन वाटर एंड मौसमी का जूस दोनों रेडी है। फ्रेंड्स इसको फास्ट में पीने से आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल जो है वो बनी रहेगी एंड आपके फास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चक्कर आने जैसी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आपका फास्ट खुशी खुशी आप कर पाओगे। आपको मेरी ये जो रिफ्रेशिंग जो मैंने ड्रिंक्स बनाई है जो आपकी बॉडी के लिए एनर्जेटिक रहेगी नवरात्रि के फास्ट के दौरान या किसी भी फास्ट में आप ये वाला ड्रिंक बनाकर जूस बनाकर पी सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल जो है वो बनी रहती है, जिससे आपका फास्ट काफी इजी हो जाता है एंड आपको कभी थकान वगैरह नहीं महसूस होती। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी कि आपको मेरा ये वाला वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।